तेज रफ्तार का कहर अक्सर देखने को मिलता है और आज एक बार फिर से इस तेज रफ्तार और गलत तरीके से गाड़ी चलाने से 26 से 27 वर्षीय रमन आप इस वक्त देख पा रहे हैं, जो कि बिजली विभाग में काम किया करते थे और कल रात को बताया जा रहा है पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं और रोंग साइड से आते कैंटर जो है उन्हें टक्कर मार देता है जी हाँ। और बताया जा रहा है उस गाड़ी में 3 से 4 लोग मौजूद थे, बाकी जो हैं गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन रमन की मौत हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं पूरा परिवार और जो बिजली बोर्ड से काफ़ी लोग पहुँचे और सब में पूरे परिवार में एक दुख का पहाड़ टूट चुका है, क्योंकि इस तरह से एक व्यक्ति की मौत हो जाना। वहीं ये बताया जा रहा है रमन जिनकी उम्र तकरीबन सिर्फ 26 से 27 थी, अभी 2 दिन पहले ही उनके बेटे का जन्मदिन था, सिर्फ 2 साल का उनका बच्चा था, अभी 2 दिन पहले ही उसका जन्मदिन था। और जन्मदिन मनाने के बाद आप लोग देख सकते हैं किस तरह से पेट्रोलिंग पर निकले थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते थे कि अगर कहीं फॉल्ट मिलता है कि रात को इस तरह से पिकअप वो निकलते हैं, लेकिन एक रोंग साइड से आते जो टैंकर कैंटर बताया जा रहा है उन्हें टक्कर मार देता है और उनकी मौत हो जाती है। पूरा परिवार यहाँ पहुँचा है, बिजली विभाग से भी काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। काफ़ी दुखद ये घटना है, अक्सर इस तरह से केसेस देखने को मिलते रहते हैं, या तो तेज़ रफ्तार रहती है या फिर रोंग साइड से आना, गलत साइड से आना, इस तरह से लोगों की जान जो है बन जाती है। और यही तेज़ रफ्तार नहीं, गलत साइड से आते हुए, रोंग साइड से आते हुए जो रमन है उनकी जान जो है इस कारण चली गई। और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, बिजली विभाग से ही उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ जानकारी मिली थी और किस वक्त की ये बात है। सर क्या कुछ कहेंगे, किस वक्त की ये बात है, किस तरह से ये हादसा हुआ? कल ये पेट्रोलिंग के लिए निकले थे टावर लाइन की, 5 कर्मचारी थे गड्डी के अंदर, यूनिस्पोर में इनकी ड्यूटी थी और बस्ताड़ा की साइड वो जा रहे थे और दिल्ली की तरफ से आते हुए एक बड़ी गाड़ी, कोई कैंटर वगैरह था कोई, जिसने डिवाइडर तोड़ के इनकी गाड़ी को टक्कर मारी और रमन की मौके पे ही मौत हो गई। तो दूसरे उसके अंदर 5 कर्मचारी सवार थे हमारे, बाकी 4 को चोट लगी है और रमन ने मौके पे एक्सपायर हो गया। तो कैंटर वाला पकड़ा गया सर? जी वो कैंटर वाला पकड़ा गया, उसको नशे में बता रहे थे, उसने कोई नशा किया हुआ था। अच्छा। तो रमन लगभग 7-8 साल से बिजली विभाग में काम कर रहा था और परसों ही उसके बच्चे का जन्मदिन था उसका, कि एक ही लड़का है 2 साल का और बड़ी खुशी थी परिवार के अंदर, लेकिन आज मातम में तब्दील हो गया है 2 दिन के बाद ही। तो परिवार में पहले उनके पिताजी थे वो एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद इनका जो बड़ा भाई था वो एक्सपायर हो गया और अब तीसरा ये एक्सपायर हो गया है, एक भाई बचा 3 भाइयों में से, यानी कि घर के अंदर अब 3 विधवा महिलाएं जो है वो बैठी हैं। सिर्फ महिलाएं रह गई हैं? हाँ, विधवा महिलाएं रह गई, एक भाई है उसकी मिसिज है और छोटा बच्चा इसका। तो परिवार पे बड़ा दुख का संकट है इस टाइम मंडरा रहा जो, तो प्रशासन और सरकार से हम तो एक पाप के माध्यम से की अपील कर सकते हैं, परिवार को कोई आर्थिक सहायता उनको दी जाए और जो भी दोषी है इस मामले में, जिसने भी टक्कर मारी है जिसके कारण रमन की मौत हुई है, उस ड्राइवर को कड़ी से कड़ी सजा दी। कंटर को कब्जे में ले लिया गया, वो थाने के अंदर कह रहे हैं खड़े हैं। हाँ जी बिल्कुल, फादर चले जाने के बाद बड़े भाई के ऊपर जिम्मेवारी आई थी, लेकिन बड़ा भाई भी पहले एक्सपायर हो गया, उसके बाद उससे छोटा जो था वो बिजली बोर्ड में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लग रहा है, जैसे तैसे माँ ने विधवा माँ ने इनको पढ़ाया लिखाया और नौकरी के लायक बनाया, नौकरी पर लगने के बाद अभी 7-8 साल से नौकरी कर रहा था, कच्ची नौकरी थी, जैसे तैसे परिवार का गुजारा चल रहा था, लेकिन ये हादसा होने के बाद परिवार का हौसला भी टूटा है और आने वाले समय में जो परिवार का जो है सिस्टम बिल्कुल डामाडोल होगा, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होगी उनकी। तो प्रशासन सरकार से अपील है भाई इनको आर्थिक सहायता दी जाए। सर, आप भी साथ में ही काम करते थे? जी बिजली विभाग में काम करते हैं भी, हमारे साथी थे रमन जी और बहुत ही मेहनती साथी थे और कभी भी ड्यूटी के लिए जब भी इनको कोई मैसेज मिला है, चाहे ड्यूटी टाइम में या इमरजेंसी में कोई लाइन खराब होगी, तो ये हर बार हर समय तैयार रहते थे काम के लिए। जैसे ही कल ये निकले थे वहाँ से, तो त्रावड़ी के आसपास ही इनके साथ ही हादसा हुआ। हमें भी यकीन नहीं हुआ क्योंकि बहुत साथी ऐसे हैं हमारे, क्योंकि कुछ साथी तो नशे में भी काम करते रहते हैं, ये बिल्कुल साफ सुथरे साथी थे हमारे। तो हम तो आपके माध्यम से सरकार से भी और निगम मैनेजमेंट से भी अपने यही अपील करते हैं कि साथी की आर्थिक मदद की जाए, ताकि परिवार को जो असहनीय क्षति हुई है उसकी कुछ भरपाई हो सके और बच्चों का गुजर बसर आगे आसानी से हो सके।
कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और देख सकते हैं रमन की ये तस्वीर है जो कल निकलते हैं एक बताया जा रहा है पिकअप पे जिसपे 5 लोग सवार थे, 5 कर्मचारी थे और एक कैंटर जो है रोंग साइड से आता है, वहीं आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जो कैंटर वाला था ड्राइवर था उसने नशा कर रखा था, हालांकि उसे पकड़ा जा चुका है और जो साथी हैं काम करने वाले वो बता रहे तकरीबन 7 से 8 साल से इसी तरह से वो काम कर रहे हैं और काफी मेहनती थे काम करने में और बताया जा रहा है सिर्फ दो दिन पहले उनके छोटे से बच्चे 2 साल के बच्चे का जन्मदिन था, खुशियां थी पूरे परिवार में लेकिन जो खुशियां हैं वो इस तरह से अचानक से मातम में तब्दील हो जाती हैं और जो जिम्मेदारियां थी बताया जा रहा था सिर्फ उन्हीं के ऊपर थी क्योंकि पिता भी की डेथ हो चुकी है, वहीं जो बड़े भाई थे उनकी भी डेथ हो चुकी है, तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा पूरे परिवार माँ की जिम्मेदारी पूरे परिवार की जिम्मेदारी रमन के ऊपर थी और इस तरह से उनका इस दुनिया से चले जाना कितना जो पहाड़ है दुखों का पूरे परिवार के ऊपर टूट गया। आप लोगों से अपील रहेगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वहीं हमेशा हम अक्सर कहते रहते हैं कि जब भी आप सड़क पर चल रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा सा सावधानी से चलें, स्पीड को मेंटेन करके रखें और रोंग साइड पर नहीं चलें। आप लोग देख सकते हैं अक्सर ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं और कल इस तरह से रोंग साइड पर एक जो कैंटर चला रहा था वो व्यक्ति जो ड्राइवर एक रमन नाम के व्यक्ति की उसने जान ले ली। त्रावड़ी के पास नज़दीक बताया जा रहा है ये हादसा हुआ है, तकरीबन कल शाम को 7-7:30 बजे ये हादसा होता है जब वो लोग निकलते हैं कि अगर कुछ ऐसा अगर रास्ते में कुछ बिजली विभाग में क्योंकि वो काम करते थे कुछ ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन इस तरह से टक्कर मार देना और उनकी मौत हो जाना, ना ही परिवार में उनके पिता हैं ना ही बड़े भाई हैं और आप लोग सोच सकते हैं परिवार किस तरह से आर्थिक कितनी ज़्यादा तंगी आने वाली है, उनके ऊपर छोटा सा 2 साल का बच्चा वो पीछे छोड़ गए हैं और सोच सकते हैं कि वो बच्चा जो है जिसे पता भी नहीं है जिसे कि उसके पिता इस दुनिया में भी नहीं रहे, तो यही अपील करते हैं वीडियो को शेयर करें, वहीं थोड़ा सा आप सावधानी से चलिए क्योंकि हो सकता है आपकी थोड़ी सी लापरवाही किसी की जान ले सकती है या आपके भी जान ले सकती है, यही अपील करूँगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़।